हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अरोड़ा क्लासेस के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएस टेट का एक नया बैच शुरू हो चुका है, जिसके अंदर हम हिस्ट्री करेंगे। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि यार हिस्ट्री हमसे याद ही नहीं होती। मैंने काफ़ी बार सुना है कि मैम हिस्ट्री एक ऐसे सब्जेक्ट है जो हमें बोरिंग लगता है। अरे भाई, आप लोग हिस्ट्री को समझ ही नहीं पाए हो। आप खुद देखिए, हिस्ट्री के नाम में ही स्टोरी छुपी हुई है, हिस्ट्री के नाम में ही कहानी छुपी हुई है। आप लोग देखिए, एच और आई को निकाल दीजिए, क्या बच गया? स्टोरी। हम सारी चीज़ों को स्टोरी के थ्रू समझेंगे, क्योंकि मुझे पता है चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हर कोई जो है कहानी सुनना पसंद करता है, और कहानी के थ्रू ही हम हिस्ट्री को समझेंगे। तो चलिए, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक किसान, उसको पानी चाहिए था, तो वो जमीन के अंदर खुदाई करना शुरू करता है। वो काफ़ी देर 3-4 घंटे तक एक जगह तक खोदता रहता है, लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। तो वो सोचता है कि चलो यहाँ पर पानी नहीं है, मैं दूसरी जगह खोदता हूँ। वो दूसरी बार खोदना शुरू कर देता, फिर 3-4 घंटे तक खोदता है, लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। ये जो प्रोसेस है 5 बार चलता रहता है, 5-6 बार करता है, लेकिन वो हार जाता है, मतलब निराश हो जाता है कि पानी मुझे मिलेगा ही नहीं। वो अपने गुरु के पास जाता है, गुरु को कहता है कि मैंने ऐसे से, मतलब सारी कहानी सुना देता है कि मैंने ऐसे से पानी की तलाश की, मुझे पानी नहीं मिला। तो गुरु ने क्या कहा वो सुनिए। गुरु ने कहा कि क्या तुमने वो जो खुदाई की थी, अगर तुम एक ही जगह वो खुदाई करते, क्या तुम्हें पानी नहीं मिलता? तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ स्टूडेंट, कि जगह जगह हाथ मारने से अच्छा है आप एक जगह कंसंट्रेट कीजिए, एक जगह आप अपनी ध्यान लगाइए, ताकि आप लोगों को कुछ मिले। स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि यार ये फॉर्म निकला है हम इसको भी भर देते हैं, ये फॉर्म निकला है हम इसको भी भर देते हैं। आप लोग एक जगह प्रॉपर ध्यान नहीं लगाते हो, इस वजह से हम दोनों हाथों से ही, मतलब हमारे हाथ में जो जॉब होती है उससे निकल जाते हैं, क्योंकि हम एक जगह प्रॉपर ध्यान नहीं देते। तो चलिए, आज कहानी को मतलब यही सिखाना चाहती थी कि आप एक जगह कंसंट्रेट कीजिए, ध्यान दीजिए, आपको पक्का जो है जॉब मिलेगी। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास में, कि आज हिस्ट्री वाली मैडम क्या करवाने वाली है, आपको क्या कहानी सुनाने वाली है, क्या आज नया आप इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। क्लास में जब भी आते हैं ये सोच के आइए कि आज हमें कुछ नया इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। जब हम 3 घंटे की फिल्म देखने जाते हैं, कितने इंटरेस्ट के साथ जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? तो क्लास में भी ये सोच के आइए कि हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास में देखते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजे में? हाँ जी, कल का सेशन कैसा रहा आप सभी का? कल जो आप लोगों को मुगल पीरियड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस करवाए गए थे, होप सो चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सी टेट, एच टेट, पी एस टेट, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें आपका जो हिस्ट्री है, जो पार्ट है, वो आपका सिलेबस में है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही फायदेमंद रहने वाला था। तो मुझे हालांकि बहुत कम स्टूडेंट्स के कल मैसेज आए थे कि मैम सेशन कैसा रहा, जरूर आप लोग जब भी सेशन को देखते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगते हैं, आप जरूर बताइए कीजिए कि सेशन कैसा रहा, कैसा आपको पसंद आया कि नहीं आया, क्या आप लोगों के मन में चलता है, वो जरूर बता के जाइए कीजिए। देखिए स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम मुगल पीरियड से रिलेटेड हमें एमसीक्यू क्वेश्चंस करवा दीजिए। तो मैंने 2-3 दिन के लिए यही डिसाइड किया था कि मैं आपको मुगल पीरियड से रिलेटेड ही एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगी, जिससे कि आपका सारा मुगल पीरियड जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए, कल भी हमने मुगल पीरियड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, तो चलिए आज भी हम कुछ क्वेश्चन ऐसे लेकर आए हैं जो आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोग लाइव आ चुके हो तो सभी सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, क्लियर? बात समझ में? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, घोड़ों की ब्रांडिंग, दाग मतलब दाग लगाना, स्टैंप लगाना, दाग मतलब होता है स्टैंप लगाना। आप सभी को पता है ना, जैसे कोई पालतू गाय होती है तो उस पर ना एक दाग सी लगाई जाती है, लोहे को गर्म करके उस पर निशान लगाया जाता है कि ये गाय मेरी है, ये गाय मेरी है। तो घोड़ों की दाग की शुरुआत किसने की, जिसे बाद में अकबर ने मुगल सेना के प्रशासन में अपनाया था? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, पहले क्या होता था, मान लीजिए दो तरह के सैनिक होते थे, एक तो राजा का खुद का एक पर्सनल सैनिक होता था, ठीक है, और दूसरा जो उसके आसपास के जितने भी सूबेदार होते थे उनके खुद के क्या होते थे, सैनिक होते थे। ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, कि एक तो राजा के खुद के पर्सनल सैनिक होते थे जो सेंटर में होते थे, ठीक है। अब राजा ने क्या अपने पूरे सेंटर को छोटे छोटे स्टेट्स में बांटा हुआ है, तो वो क्या सूबेदार संभाल रहे हैं, तो सूबेदार का भी क्या है, अपना एक सैनिक है, अपना सैनिक होता था। तो पहले क्या, सैनिकों का कौन सा हुलिया नोट किया जाता था, आजकल तो आधार कार्ड चलता है, सब कुछ चलता है, पैन कार्ड चलता है, फोटो चलती है कि हाँ भाई तेरे अंडर में इतने व्यक्ति काम करते, तुझे इतनी सैलरी मिलेगी, ठीक है।
पहले क्या था, हर सूबेदार के पास क्या होते थे, अपने घोड़े होते थे, अपने सैनिक होते थे। लेकिन जब सैलरी लेने का टाइम आता था ना, तो वो क्या करते थे, जो दूसरे आसपास के जो लोग थे उनसे उनके घोड़े ले आते थे, ताकि सामने जब जो सैलरी दे रहा है उसको दिखाने के लिए, भाई कि मेरे पास तो इतने सारे घोड़े हैं और तुम मुझे क्या दो, इतनी सैलरी दो, क्योंकि मैं इतने सारे घोड़ों को संभाल रहा हूँ। और ये घोड़े किसके काम आते हैं भाई, राजाओं के काम आते हैं, हमारे काम तो आते ही नहीं है, तो राजाओं के काम आते हैं, तो इसके बदले में मुझे क्या मिलनी चाहिए, सैलरी। मान लीजिए, मान लो मेरे पास दो घोड़े हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो घोड़े हैं, अब मुझे सैलरी लेने जाना है सेंट्रल के अंदर, ठीक है, तो मैंने क्या किया, आसपास से दो घोड़े और इकट्ठे कर लिए और दिखा दिया कि भाई मेरे पास तो चार घोड़े हैं और मुझे चार घोड़ों की क्या मिलनी चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से एक व्यक्ति जिसने, क्योंकि उसको पता था कि हर जगह करप्शन फैला हुआ है, हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हालांकि मुझे पता है इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर आता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अकबर का पूर्वगामी किसे कहा जाता है, या किसको अकबर का पाथ फाइंडर कहा जाता है, बताइए किसको कहा जाता है, आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति के जिस सूबेदार के पास में घोड़े होते थे उनकी सेंट्रल से स्टैंप लगवानी शुरू कर दी। क्या लगवानी कर दी, स्टैंप, कि भाई ये जो स्टैंप है वो कहां से लगेगी, सेंटर से लगेगी, और इस सेंटर, इस स्टैंप के ऊपर क्या होगा, उस सेंटर, उस राजा का, उस व्यक्ति का नाम लिखा होगा, साथ ही साथ उस सूबेदार का क्या लिखा होगा, नाम लिखा होगा। तो इससे क्या, जब वो सैलरी लेने आएगा तो पता चल जाएगा कि भाई ये जो घोड़ा है वो यहीं का है। मेरी बात समझ में आ रही, आप किसी दूसरे घोड़े को नहीं लेके आ सकते, क्यों, क्योंकि उस पर स्टैंप नहीं लगी हुई, उसे हम क्या कहते हैं, दागने की व्यवस्था, क्या कहते हैं, दागने की व्यवस्था। हालांकि आप सभी को पता है लोहे को गरम करके, हालांकि दर्द बहुत होता है, लोहे को गरम करके उस पे वो जो स्टैंप वाला जो हिस्सा वो लगाया जाता है, तो उससे उनको बहुत दर्द होता है, नो डाउट, लेकिन इससे ये पता चलता है कि ये किस व्यक्ति का घोड़ा और किस व्यक्ति का क्या है। बात समझ में, आप सभी देखते, जैसे कोई पालतू गाय होती है, ठीक है, वो क्या उनके गले में घंटा वगैरह डाल के रखते हैं, बताते हैं कि हाँ ये हमारी गाय है, अगर गुम गई तो पता चल जाएगा। उसी तरह से शेरशाह सूरी, किसने, शेरशाह सूरी ने क्या किया, घोड़ों को दाग की व्यवस्था शुरू की, कि भाई ये घोड़े के ऊपर दाग लगानी है, जिससे पता चले कि ये घोड़ा किस सूबेदार का है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि अकबर ने मुगल सेना के प्रशासन में इसे अपनाया था। देखो, वो कहते हैं ना कि हम हर चीज को क्या करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, तो शेरशाह सूरी ने तो सिर्फ घोड़ों को दागने की व्यवस्था की थी, ठीक है, लेकिन अकबर ने यहाँ पर, पहले तो सिर्फ एक ही स्टैंप लगाई जाती थी ना, उस सूबेदार की या फिर उस राजा की, ठीक है, लेकिन अब अकबर ने दो स्टैंप लगवानी शुरू कर दी थी। कितनी, दो स्टैंप, जिसे हम क्या कहते हैं, घोड़ों को दो बार दागने की प्रक्रिया। इसमें एक स्टैंप किसकी होती थी, राजा की, और एक स्टैंप किसकी होती थी, उस सूबेदार की, जिस सूबेदार का वो घोड़ा है। क्लियर, बात समझ में। पहले तो शेरशाह सूरी के टाइम पे तो सिर्फ उस स्टैंप के अंदर हल्का सा बताया होता था कि ये सेंटर है, ये सरकार चल रही है और ये सूबेदार है, क्लियर। लेकिन अकबर ने क्या किया, इसमें थोड़ा सा अपडेट कर दिया, उसने दो दाग लगवानी शुरू कर दी। एक दाग तो ये कि ये सेंटर का, दूसरी दाग कौन सी, उस सूबेदार की। क्लियर, बात समझ में आई। तो इसको कौन, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि घोड़ों को दागने की प्रक्रिया किसने शुरू की थी, ब्रांड लगाने की प्रक्रिया किसने शुरू की थी, तो वो किसने की थी, शेरशाह सूरी ने। किसने की थी, शेरशाह सूरी ने। क्लियर, बात समझ में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और नाइस क्वेश्चन है। क्लियर, बात समझ में आई। इसी के साथ आप सभी को पता है इब्राहिम लोदी, आपको बताने की जरूरत नहीं है, लोदी वंश का जो है लास्ट शासक है, जिसे बाबर ने पानीपत के युद्ध में हराया था। क्लियर, बात समझ में आई। बाबर आप सभी को पता ही है, जो फरगना का रहने वाला था, भारत आया था, भारत को लूटने के उद्देश्य से आया था, लेकिन क्या पता था कि ये भारत में ही बस जाएगा और हमें मुगल पढ़ने पढ़ेंगे। मैंने कल ही एक लाइन पढ़ी थी कि बाबर और अंग्रेजों को सैनिक लाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, वो सैनिक लेके भी नहीं आए। मैंने कल ये ही लाइन पढ़ी कि बाबर और अंग्रेज अपने साथ सैनिक क्यों नहीं लेकर आए, क्योंकि उनको पता था कि भारत के अंदर ऐसे ऐसे धोखेबाज भरे पड़े हैं जो हमारा क्या देंगे, साथ देंगे। बात समझ में आई, समझ में आया। तो बाबर आप सभी को पता ही है मुगल वंश का संस्थापक है, अकबर आप सभी को जानते हो, जिसे हम जिले अला कहते हैं, अकबर जो भारत अपनी पॉलिसीज के कारण जाने जाता है, जिसे शेरशाह सूरी का क्या कहा जाता है, सेकंड कहा जाता है, मतलब कि सेकंड शेरशाह सूरी, क्योंकि अकबर
शेरशाह सूरी ने अकबर को क्या दिखाया था, रास्ता दिखाया था, क्योंकि अकबर का जितना भी प्रशासन है वो शेरशाह सूरी द्वारा लागू किया गया वही प्रशासन है। क्लियर, बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। इसने सिर्फ घोड़ों को एक बार दागा था, बस अकबर ने दो बार दागने की प्रक्रिया को शुरू किया था। इसी के साथ सैनिकों का हुलिया नोट करने की प्रक्रिया भी अकबर ने ही शुरू की थी पहले। आजकल तो चलो आप सभी को पता है कौन सा किसका सैनिक है, क्योंकि हमारे पास पासपोर्ट साइज फोटोज होती हैं, आधार कार्ड होता है, सब कुछ होता है। पहले क्या होता था, जब सैनिकों किसी मान लो कोई सूबेदार है उसको सैनिकों को सैलरी देनी होती थी, तो वह आसपास के किसानों को भी सैनिक बना के ले आता था दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास तो इतने सारे सैनिक है और मुझे इन लोगों की क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। इस वजह से अब अकबर ने क्या शुरू किया, सैनिकों का हुलिया नोट करने, हुलिया समझते हैं, उनके फेस के जो हैं वो लिखने शुरू कर दी ताकि पता चले कि कौन सा किसका सैनिक है। क्लियर, बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के शासनकाल के पहले चार वर्षों के दौरान रीजेंट कौन था? हाँ जी स्टूडेंट बताइए, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि कल भी हम इसके बारे में बात करके हटे हैं कि आप सभी को पता है 1556 में जब अकबर गद्दी पर बैठा, अकबर जब गद्दी पर बैठा था तो आपको याद होगा हमने एक फनी वे में किया था कि जब हुमायूं मर रहा था तो हुमायूं जब हॉस्पिटल में था तो उसी के पास बैरम खां बैठा था और हुमायूं ने बैरम खां से कहा कि मैं अपने बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुझ पर दे के जा रहा हूं। उस तरह हुमायूं की पत्नी कह रही नहीं नहीं मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आपको मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, आप मेरे पति हैं, मैं हिमराज से भी लड़ जाऊंगी, मैं आपको वापस ले आऊंगी। हुमायूं कहता चुप हो जा, तो रहने दे मुझे मेरा काम करने दे, मैं बैरम खां को कुछ समझा के जा रहा हूं। तो बैरम खां को उसने क्या बोला कि तू मुझे वादा, जैसे फिल्मी सीन नहीं होता मैं मरने वाला, मैं मरने वाला हूं कि प्लीज मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं कि तुम मेरे बच्चे का ध्यान रखोगे। उसी तरह से हुमायूं जो है वो बैरम खां को कह के जाता है कि तुम्हें मेरे बच्चे का क्या करना है, ध्यान रखना, तुम्हें हमेशा उसके साथ रहना है। तो 1556 से लेकर 1560 तक का टाइम पीरियड जो है वो किसका टाइम पीरियड था, किसका टाइम पीरियड था, बैरम खां का टाइम पीरियड था। किसका टाइम पीरियड था, बैरम खां का टाइम पीरियड था। क्लियर, बात समझ में आई? याद रखिएगा स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि 1560 में वो कहते हैं ना कि एक इंसान को बनाने में औरत का सबसे बड़ा हाथ है और बिगाड़ने में भी सबसे बड़ा औरत का हाथ है। तो अकबर की जो दहाई माँ थी, जिसने अकबर को पाला पोसा था, जो अकबर की नर्स थी, एक तरह से नर्स ही कह सकते हैं, जिसका नाम था महामनंगा, उस महामनंगा ने अकबर के कान भड़कने शुरू कर दिए थे कि भाई ये बैरम खां सही नहीं है, ये तेरी गद्दी को हत्याना चाहता है, ये करना चाहता है, वो करना चाहता है। तो अकबर के ऊपर इस बातों का असर हुआ और अकबर ने बैरम खां को अपने दरबार से निकाल दिया। क्लियर, बात समझ में? तो बैरम खां का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 1556 से लेकर 60 तक, उसके बाद महामनंगा शुरू हो जाती है। क्लियर, बात समझ में? इसी के साथ अगर हम हेमू की बात करते हैं तो आप सभी को पता है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। नो डाउट बैरम खां ने अकबर का क्या दिया था, साथ दिया था, क्योंकि अकबर तो बहुत छोटा था। कहने को युद्ध हम कहते हैं कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, लेकिन अगर हम देखें ढंग से, अगर तरीके से देखें तो हम देखेंगे कि अकबर और बैरम खां के बीच ही हुआ था। क्लियर, बात समझ में? महामनंगा आप सभी को पता है अकबर की क्या है, धाए माँ, अकबर की क्या है, धाए माँ, जिसने अकबर को क्या किया था, पाला पोसा था। आप सभी को बताऊं 1556 से लेकर 1560 तक तो कौन था, बैरम खां था, और 1560 से लेकर 1562 तक किसका प्रभाव था अकबर पर, महामनंगा का, क्योंकि 62 में अकबर की शादी हो जाती है जोधा भाई से, और जोधा भाई जो आती ही, फिल्मी सीरियल होता है ना, सीरियल की तरह आते बहू के आते ही सास को क्या कर देता है, नॉकआउट कर देते हैं। क्लियर, बात समझ में? तो जोधा भाई की जैसे ही अकबर के साथ शादी हुई, जोधा भाई ने अकबर को अपने अंडर में, उसको पता चल गया था कि महामनंगा सही नहीं है, उसने महामनंगा का धीरे धीरे जो इफेक्ट था अकबर के ऊपर उसको कम करना शुरू कर दिया। तो 1560 से लेकर 1562 तक का जो टाइम पीरियड है वो महामनंगा का टाइम पीरियड है, जिसे हम क्या कहते हैं, पर्दा शासन। क्या कहते हैं, पर्दा शासन, क्योंकि आप सभी को पता है मुगल काल की जितनी भी लेडीज थी वो पर्दे में रहती थी। आप सभी को पता है क्यों, क्योंकि 1560 से लेकर 62 का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पे अकबर पर बहुत ज्यादा लेडीज का इफेक्ट था, समझ गए? इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, हरम दल का शासन। क्या कहते हैं, हरम
क्योंकि महिलाएं कहाँ पे रहती हैं, आज ही मैं बात करके हटी हूँ इस बारे में, क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, जहाँ पर राजा महाराजाओं की पत्नियाँ, उनकी जो रखेल होती हैं, जो जहाँ रहती हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं, उनकी माँ, जिस पार्ट, जिस एरिया में रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, हरम दल कहते हैं। तो इस टाइम को कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 1560 से लेकर 1562 के टाइम पीरियड को अकबर के टाइम पीरियड में क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, या तो पर्दा शासन, या पेटीकोट सरकार, या फिर हरम दल का शासन। क्लियर, बात समझ में? तो इसका आंसर क्या रहेगा, बैरम खां। क्या रहेगा, बैरम खां। क्लियर, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा? बताने की जरूरत नहीं है, हम ये बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, आप सभी को पता है। हुमायूं जो था, उसका शेरशाह सूरी से क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसे हम क्या कहते हैं, चौसा का युद्ध। क्या कहते हैं, चौसा का युद्ध होता है। इस युद्ध में जो हुमायूं है, वो गंगा नदी में छलांग लगा देता है। गंगा नदी में जब वो छलांग लगाता है, तो मछुआरा जो है उसको पकड़ लेता है, और वो कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है। हुमायूं जो है उस मछुआरे को कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, तो मैं तुम्हें एक दिन का क्या बनाता हूँ, राजा बनाता हूँ। इस वजह से वो जो भिश्ती था, जिसने उसकी जान बचाई थी हुमायूं की, उसे एक दिन का क्या बनाया था, राजा बनाया जाता है, सुल्तान बादशाह बनाया जाता है। इस खुशी में वो क्या चलाता है, चमड़े के सिक्के चलाता है। ये अलग चीज़ है, ठीक है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शेरशाह सूरी के साथ में हुमायूं के दो युद्ध हुए थे, एक हुआ था 1539 में, एक हुआ था 1540 में। कौन सा युद्ध हुआ था, कन्नौज का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था, कन्नौज। इसे हम बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। किसका, बिलग्राम का युद्ध भी, बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने पूरी तरह से हुमायूं को क्या कर दिया था, हरा दिया था, और भारत से बाहर फेंक दिया था, और शेरशाह सूरी ने अपने आप को भारत का सुल्तान घोषित कर दिया था। क्लियर, बात समझ में आई? तो कौन सा युद्ध था, कन्नौज का युद्ध। कौन सा युद्ध था, कन्नौज का। इसी के साथ आपको पता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ था। पहला युद्ध हुआ था 1526 में, और दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। क्लियर, खानवा का युद्ध आपको पता ही है, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जो कब हुआ था, 1527 में, जिस युद्ध में राजपूतों से लड़ने के लिए बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। किसकी, धर्म युद्ध की घोषणा की थी। घाघरा का युद्ध आप सभी को पता है, बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ था। इसके बीच में, बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ था, आपको याद होगा। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में कहां गया, चला गया, 29 में घर पहुंचा, और 30 में मर गया। क्लियर, बात समझ में? तो बाबर और महमूद लोदी के बीच में घाघरा का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन क्या पूछा गया, कि हुमायूं को भारत से बाहर कब फेंका था, तो कन्नौज का युद्ध में, कब, 1540 में। क्लियर, बात समझ में आई? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा स्टूडेंट, क्लियर है? जाते जाते जरूर बता के जाया करो कि भाई क्लास कैसी थी, क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, क्लास कैसी लगी, जरूर बताया करो। क्लियर, आगे देखिए। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बाबर ने किन दो महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा किया था? हाँ जी, बताइए। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद, आप सभी को पता है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, 21 अप्रैल 1526 को। इस युद्ध के बाद बाबर ने किन दो महत्वपूर्ण शहरों पर अधिकार किया था? जयपुर और आगरा, दिल्ली और आगरा, अमृतसर और दिल्ली, आगरा एंड जौनपुर। हाँ जी स्टूडेंट, बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, बता सकता है कोई? आप सभी को पता है लोदी जो थे, लोदियों का शासक कौन था, इब्राहिम लोदी था। लोदियों का शासक कौन था, इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी के अंडर में दो एरिए थे, एक, क्योंकि लोदी वैसे भी पूरे भारत में थे, आप सभी को पता ही है, लेकिन अगर हम बात करते पर्टिकुलर दो एरिए के, तो पानीपत के युद्ध के बाद में बाबर का दो एरिए पे पूरी तरह से अधिकार हो गया। कौन सा, दिल्ली और आगरा। किस पे, दिल्ली और आगरा। क्लियर, बात समझे, क्योंकि इब्राहिम लोदी का शासन था, इब्राहिम लोदी के मरते हुए दिल्ली और आगरा पर बाबर ने पूरी तरह से क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। कब, 1526 में। क्लियर, समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस मुगल राजा ने भारत में गन पाउडर, गन पाउडर मतलब कि बारूद, और तोप खाने के उपयोग की लोकप्रिय बनाया? कुछ भी सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है कि किस मुगल राजा ने भारत में गन पाउडर मतलब कि बारूद और तोप खाना को लोकप्रिय बनाया। बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत है कि नहीं है? अकबर, हुमायूं, बाबर और जहांगीर। मुझे आप इतना बता दो कि सबसे पहले भारत में तोपखाना या बारूद का यूज किसने किया था?
और कहाँ पे किया था, कहाँ पे किया था, याद है आपको कहाँ पे किया था? 1519 में कहाँ पे किया था? बाजोर पर। कहाँ पे किया था? बाजोर। बाजोर में कौन सा किला? भेरा का किला। किसने? भेरा का किला फोर्ट। किसने किया था? बाबर ने। पहली बार तोपखाने का यूज किसने किया था? बाबर ने। और अगर हम बात करें पूरी तरह से, मतलब कि तो एक तो होता थोड़ा सा यूज करना, एक होता बहुत काफी मात्रा में यूज करना, तो वो कौन सा युद्ध था? पानीपत का युद्ध। पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय का सबसे मेन कारण ही क्या था? बाबर की सैन्य कुशलता, बाबर का एक वो सिस्टम बिठाना, अपनी सेना को, अपनी तोपों को किस तरह से उसने सिस्टम से, उसका जो मिलिट्री जो वो था, उसकी जो अंदर की क्वालिटीज थी उसने, कुशलता ने। क्लियर, बात समझ में आई? तो अगर पहली बार पूछा गया तो किसमें? बाबर ने बाजोर भेरा पर सबसे पहले यूज किया तोपखाना। अगर पूछा जाए कि बहुत डिटेल में, मतलब कि बहुत ज्यादा विकसित रूप में, बहुत ज्यादा पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का कारण क्या था, तो एक तो उसकी सेना और दूसरा उसका तोपखाना। क्लियर, बात समझ में? तो आंसर क्या आएगा? बाबर। क्या आएगा? बाबर। बात समझ में आया? बाबर का बेटा कौन? हुमायूं। हुमायूं का बेटा कौन? अकबर। और अकबर का बेटा कौन? जहांगीर। क्लियर, बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसने पहली बार रुपया सिक्का जारी किया था? आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। फिल्म देखी हुई है? देखी हुई है? नहीं, मैं आप लोगों की, मैम आप बहुत फिल्मों की बातें करते हो ना, क्या करूं भाई, आप लोगों को रिलेट करने के लिए, ताकि आप लोगों को पता रहे कि आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि कुछ बार क्या होता है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम बहुत बोरिंग होता जा रहा है, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे आप लोगों का, है ना? ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, पहली बार रुपया सिक्का किसने जारी किया था? आप लोगों को याद होगा शेरशाह सूरी जो था, शेरशाह सूरी उसने, क्योंकि शेरशाह सूरी जो था वो गरीब तबके से ऊपर उठा था, उसको हर चीज़ का पता था कि अमीर क्या यूज़ करते हैं, गरीब क्या यूज़ करते हैं, मिडिल क्लास वाले लोग क्या यूज़ करते हैं। तो शेरशाह सूरी ने अमीरों के लिए क्या, अमीरों के लिए सिक्का चलाया, जिसे हम क्या कहते हैं? अशर्फी। क्या कहते हैं? अशर्फी। तेरी झलक शर्फी, मतलब कि सोने का सिक्का, मतलब कि सोने का सिक्का इसने अमीर, क्योंकि अमीर तो कुछ भी कर सकते हैं, बात समझ में? तो अमीरों के लिए सिक्का चलाया, जिसे हम क्या कहते हैं? अशर्फी, जो क्या था? सोने का सिक्का था। तेरी झलक मेरे लिए एक सोने के सिक्के के बराबर है। क्लियर, बात समझ में आई? उसने मिडिल क्लास लोगों के लिए सिक्का चलाया, जिसे हम क्या कहते हैं? रुपया। क्या? रुपया, जो क्या था? चांदी का सिक्का था। क्या था? चांदी का सिक्का था। और उसने गरीब तबके के लिए सिक्का चलाया, जिसे हम क्या कहते हैं? दाम। क्या कहते हैं? दाम, जो क्या था? तांबे का सिक्का था। क्या था? तांबे का सिक्का था। क्लियर, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पहली बार रुपया, जो आज भारत की करेंसी आप सभी को पता है रुपया है हमारी, तो ये सिक्का सबसे पहले किसने जारी किया था? किसने? शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, इसी के साथ अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं, आप सभी को पता है बाजार कंट्रोल पॉलिसी के लिए अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है। क्लियर, बात समझ में? इसी के साथ अकबर की बात करते हैं, आप सभी को पता है अकबर के, अकबर ने इलाही, जलाली, कई तरह के सिक्के चलाए थे। और अगर बाबर की बात करते हैं, तो बाबर ने काबुली और शाहरुख नामक सिक्का चलाया था। आप सभी को पता है ना कि जब इसने पानीपत के युद्ध में जीता था, तो उसने काबुल के प्रत्येक बंदे को क्या दिया था? चांदी का सिक्का दिया था। क्या दिया था? चांदी का सिक्का, जिसे हम क्या कहते हैं? शाहरुख कहते हैं। क्या कहते हैं? शाहरुख कहते हैं। इस वजह से बाबर को क्या कहा जाता है? कलंदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलंदर। कलंदर मतलब क्या होता है? क्या होता है? दान देने वाला। उसने काबुल के हर एक बंदे को क्या दिया था? चांदी का सिक्का दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं? शाहरुख। नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना होगा। क्लियर, इसके अलावा अकबर, आपको पता ही, अकबर ने जलाली, हालांकि अकबर ने बहुत सारे सिक्के चलाए थे, नो डाउट, इलाही, शंशभ, बहुत तरह के सिक्के चलाए थे। अलाउद्दीन खिलजी, जो अपनी बाजार कंट्रोल, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी के लिए जाना जाता है। क्लियर, समझ में आया? तो आंसर क्या रहेगा? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, जो स्टूडेंट मास्टर ग्रेडर की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश मास्टर ग्रेडर, उनके लिए 27 मई से बैच स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। न्याय की श्रृंखला, जिसे हम चैन ऑफ जस्टिस कहते हैं, क्या कहते हैं? चैन ऑफ जस्टिस, किसने शुरू की थी? हाँ जी, याद है, क्लास में करवाया होगा।
हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं की तो चलो बात ही खत्म करते हैं, हुमायूं के पास उस बेचारे को टाइम ही नहीं था, वो तो युद्धों में लड़ता रहा, जीवन भर लड़खड़ाता रहा और मृत्यु हो गई। ठीक है, अकबर की हम बात नहीं करते क्योंकि अकबर ने वैसे ही बहुत अच्छे काम किए, नो डाउट, उसने सती प्रथा को ख़त्म किया है, दास प्रथा को ख़त्म किया, तीर्थयात्रा का टैक्स को है ख़त्म किया था, तो ठीक है ये काम इसने किए थे। शाहजहां तो बेचारा अपना प्रेमिका में ही बिजी रहा है, आप सभी को पता है उसने ताजमहल बनाया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं जहांगीर की, तो जहांगीर अपनी, मैंने अपने क्लास में भी करवाया है, जहांगीर की सबसे बड़ी अगर कोई विशेषता है तो उसका न्याय है, जस्टिस है। जहांगीर का सबसे बड़ा अगर हम बात करें अवगुण, अवगुण समझते हो, गंदी आदत, तो उसका था शराब पीना। क्या? शराब पीना। और जहांगीर की अगर हम सबसे अच्छी बात करते हैं तो न्याय ऑफ जस्टिस, उसने अपने महल के बाहर दो शेर बिठवाए, शेर थे और उनके शेरों के गले में घंटा था या चैन थी, अगर आप उसको बजाते हो तो आपको क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। क्लियर? तो जहांगीर किसके लिए फेमस था? अपने न्याय के लिए। बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जहांगीर किस चीज के लिए फेमस था? अपने न्याय के लिए। और जहांगीर किस चीज में ही प्रसिद्ध था? मतलब एक होता है ना कि आपको बहुत अच्छा काम आता, आप निपुण हो, क्या हो? आप निपुण हो, मतलब हुनर, हुनर। जहांगीर का सबसे बढ़िया हुनर क्या था? उसकी क्या थी? चित्रकारी, पेंटिंग। क्या? पेंटिंग। और जहांगीर किस चीज में फेमस था? जहांगीर फेमस किसके लिए था? न्याय के लिए। किसके लिए? न्याय के लिए। किसके लिए? न्याय के लिए। और जहांगीर में हुनर कौन सा था? क्या? चित्रकारी, पेंटिंग। क्या? पेंटिंग। और जहांगीर की सबसे गंदी आदत क्या थी? शराब। वो हमेशा शराब में ही क्या रहता था? मस्त रहता था। क्लियर? बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? इसके अलावा अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो इल्तुतमिश भी जो था उसने भी क्या किया था? अपने, वो भी अपने न्याय के लिए फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज कौन था? बताइए स्टूडेंट्स, कौन था? कैनिंग, रॉल्फ फिच, विलियम एडवर्ड एंड विलियम हॉकिंस। बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है, आप सभी को पता ही है। कब? 1608 में आया था। जहांगीर से इसने फारसी भाषा में बात की थी। कहाँ पे पहुंचा था? आगरा पहुंचा था। कौन था? कौन था? जहांगीर ने इसको इंग्लिश खान का टाइटल दिया था, इंग्लिश खान का टाइटल दिया था, लेकिन व्यापार करने की परमिशन नहीं दी, व्यापार करने की परमिशन नहीं दी थी। तो कौन था? विलियम हॉकिंस, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? इसके बाद कौन आया था? थॉमस रो। इसके बाद कौन आया था? थॉमस रो। थॉमस रो कब आया था? 1615 में, जो जहांगीर से कहां पे मिला था? अजमेर में। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इबादत खाना क्या है? इबादत खाना क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इबादत? इबादत का मतलब होता है पूजा करना। क्या करना? पूजा करना। क्या करना? पूजा करना। जहां अकबर ने अपने इस्लाम धर्म के लिए, सबसे पहले तो उसने इस्लाम धर्म के लिए किया था, वो अलग बात है कि उसने सभी धर्मों के लिए खोल दिया था बाद में। अकबर ने ये देखना चाहता था कि इस्लाम धर्म में क्या अच्छाइयाँ और क्या बुराई हैं, मतलब मेरे धर्म में क्या अच्छाई हैं। तो उसने एक इबादत खाना खोला। कब? 1575 में। कब? 1575 में। कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी में। अकबर की कैपिटल थी ये फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी जो है अकबर की कैपिटल थी, वहाँ पर इसने एक इबादत खाना खोला जहाँ पर इस्लाम धर्म के लोगों को बुलाया कि आइए आप अपने धर्म के ऊपर बात कीजिए, क्या अच्छाई है क्या बुराई है। तो अकबर ना थोड़े टाइम में बाद में बोर हो गया था कि क्या इस्लाम, ये लोग ना तो अपने धर्म के बारे में कुछ मतलब बुरा तो बता ही नहीं रहे, अच्छा अच्छा ही बताया जा रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि धर्म में अच्छी बातें हैं तो बुरी बातें ना हो। तो अकबर ने क्या किया, 1578 में इसे सभी धर्मों के लिए क्या कर दिया? खोल दिया। मतलब आओ, चाहे जैन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, पारसी हो, कोई भी है, आओ और अपने धर्म के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताओ। आपके धर्म में अच्छी बातें हैं तो बुरी बातें भी हैं, आप सभी चीज़ों को बताओ। लेकिन जो उसकी ये जो थी, उसको लगा कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, क्योंकि उसका जो ये इबादत खाना वो आदमी अखाड़ा बन गया। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे के ऊपर ये आरोप लगाने लगे, मतलब अपने धर्म के बारे में बताने की बजाय वो दूसरे धर्म की बुरी बातों को बताने लगे कि तेरा धर्म ऐसा, तेरा धर्म ऐसा। तो अकबर इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ और उसने 1582 में इबादत खाने को क्या कर दिया? बंद कर दिया कि कोई नहीं आएगा, खत्म करो इसको। बात समझ में आई? तो 1575 में इसने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने की स्थापना की। किसके लिए? पूजा के लिए। उसके बाद 1578 में इसे खोल दिया सभी धर्मों के लिए। पहले सिर्फ इस्लाम धर्म के लिए था, बाद में 1578 में सभी धर्मों के लिए खोला। लेकिन जब अकबर को पता लगा कि यार ये तो कुछ और ही हो गया, तो इसने 1582 में इसे बंद कर दिया। क्लियर? बात समझ में? तो ये क्या था? एक प्रार्थना कक्ष था। आप क्या करते हो? प्रेयर करते हो। क्या करते हो? पूजा करते हो।
क्लियर, बात समझ में आई। इसी के साथ अब सभी को पता है जूलॉजी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री का जो मास्टर गाइडर का जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, हिस्ट्री विद रितु मैम। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, एक्सपीरियंस कैसा रहा जरूर बताइएगा, क्वेश्चन कैसे थे जरूर बताइएगा, और आप लोगों ने अगर क्लास नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और गुड नाइट एंड शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। कैसी लगी क्लास आप जरूर बताइएगा, साथ ही साथ क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है हिस्ट्री विद रितु मैम। अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, आपके जो भी डाउट्स हैं आपको वहाँ पर क्लियर कर दी जाएंगे। साथ ही साथ आप स्टूडेंट सभी को मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि मेरा यूट्यूब पर शाम को 7 बजे क्लास होती है, हिस्ट्री विद रितु मैम संकल्प सीरीज, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में, बहुत ही कॉन्सेप्ट से, बहुत ही गहराई से हम करते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये भी बता दूं, अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड मतलब आपको डीपली पूरी तरह से टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप सभी को पीएस टेट का जो बैच शुरू हो चुका है 15 मई, आपको वो ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, लेकिन पहले भी बता दूँ ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में है। ज्वाइन कैसे करना है वो आप, जो स्टूडेंट एंड्रॉयड यूज़र हैं उनको अरोड़ा क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, एंड जो स्टूडेंट स्मार्टफोन वाले मतलब मेरा कहने का मतलब एप्पल फ़ोन वाले हैं उनको एक माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है। इसके अंदर आपसे ORG कोड मांगेगा, उसके अंदर आपको कैपिटल में ARC आपको फिल करना है। इसके साथ जब आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपको देखो कोर्स पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, वहाँ पर आपके सामने ये सर्च वाला ऑप्शन आएगा। आपको क्या करना है PSTET, क्या लिखना है आपको PSTET लिखना है, क्या लिखना है PSTET मई, क्लियर, बात समझ में। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप लिखेंगे, उसके बाद एक पेज ओपन होगा, इसमें आपको लिखा होगा कि आई एम इंटरेस्टेड से पहले आपसे पूछेगा हैव ए कूपन कोड, तो आपको मेरा कूपन कोड AC512 यूज़ करना है। अगर आप इस कूपन कोड को यूज़ करते हैं तो आपको 800 का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, क्लियर। इसके बाद ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है आई एम इंटरेस्टेड, उसके बाद आपके पास सामने एक पेज मतलब ओपन होगा, आपके पास मैसेज आएगा, इसके अंदर आपको लिखा होगा कि हाँ आप यहाँ पे बाय नाउ कर सकते हैं, आपको बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के बाद में आपकी जो भी आप किसी भी तरह से जो आप बैच खरीद रहे हैं आपको किस तरह से चार्ज करना है, चाहे आप UPI कार्ड एंड नेट बैंकिंग आप किसी भी तरह से करना चाहते हैं वो आपको हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है, किसी तरह का डाउट है, तो आप हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 7710104040 डायल कीजिए, आपको हर तरह की जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।